ना है हम राही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल। हे हे चलो ना ढूंढे शहर एक नया जहाँ मुस्कुराहटे हैं बिखरी जहाँ से गम का मौसम गया जहाँ मीठी बातें हर एक अजनबी से हो भूले हम भी जो सारी फिक्रें लम्हा लम्हा खुशियाँ बिखरे इधर उधर और यहाँ वहाँ जाए वही दिल कहे जहाँ बेबे 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 चलो ना गाए नए नए गीत खेल ऐसा क्यों ना कोई खेल जिसमें सब ही की हो जी इन दिनों भूलो तारे कोई भी देखता नहीं देखे उनको दीवाने हो के कोई कितना भी हमको ढोके खुली हवा हो खुला समा जागे हुए हो सब अरमा बेबे 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 Finally guys, we have reached to our destination that is IARI Delhi. यहाँ पर हमें गर्ल्स को स्टे करने का फैसिलिटी दिया गया था ड्यू टू लेस एकोमोडेशन स्पेस और बॉयज़ हमारे एक बिरला नाम का मंदिर था वहाँ वो लोग स्टे करे थे फिर वो लोग हमें नेक्स्ट मॉर्निंग ज्वाइन करे थे फॉर एडुकेशनल टूर पर्पज़ हमारे पास टाइम बहुत कम था गाइज इसी वजह से हम लोगों को ज़्यादा टाइम हम लोग नाइट में ही इंडिया गेट वगैरह गए फिर सुबह 4 बजे उठे क्योंकि हम लोग को उस दिन नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना था टूर के विजिट के लिए तो हमारे पास टाइम का बाउंडेशन था इसी वजह से हम लोगों को पहले 4 बजे उठना पड़ा फिर हम सब गर्ल्स अलग अलग टुकड़े पे ग्रुप में डिवाइड हो गए कोई इंडिया गेट गए कोई हुमायूं गया कोई मार्केट गए तो ये है हमारा हुमायूं टॉम हम सब हुमायूं टॉम आए क्योंकि हम लोग रात में ही इंडिया गेट चले गए थे अब देख सकते हो यहाँ का स्कल्पचर इतना खूबसूरत था पूरे फाइन आर्ट्स थे स्कल्पचर तो पूछो ही मत बहुत हम लोगों ने यहाँ बहुत इन्जॉय किया डांसेस वगैरह सारा कुछ किए फाइनली हम सब लोग ने घूम तो लिया अब फिर अब हमें ज्वाइन करना था पढ़ाई के लिए तो देख सकते हो हमारा शेड्यूल कितना रस था बस हम घूमे आए लंच किए दिन हमें अपने बैचमेट्स को ज्वाइन करना था फटाफट ज्वाइन किया इवन हमें ड्रेस चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला था बिकॉज हमें ज्वाइन होना था डॉक्टर अरुण तिवारी सर थे डॉक्टर शीला बाड़ला थी उन लोगों का गाइडलाइन सुनना था कि कैसे हम टीचर से इंटरेक्ट करना है कैसे अपने आप को मेंटेन करके बात करने वे ऑफ टॉकिंग सारा कुछ वो हमें बता रहे थे तो इसी वजह से अब देखे अभी यहाँ पे एक मैम थी वो IARI की थी उन्होंने अरुण तिवारी सर के साथ अपना पढ़ाई कंप्लीट किया था ये आई थिंक पोमोलॉजी की ये थी हेड थी तो हम लोगों ने इनसे वार्तालाप किए बातें किए सीखे फिर हम सब फील्ड विजिट किए फील्ड में हमें दिखाया गया बनाना वो जो कि ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए बस है ये तमिलनाडु से लाया गया था ट्रायल के लिए वो फ्रूट्स नहीं देते सिर्फ वो ऑर्नामेंटल और यहाँ पे आप देख सकते हो आई थिंक 20 टाइप्स ऑफ ग्रासेस थे जो कि यहाँ पे प्लांट करे हुए थे सो इन डिवीजन ऑफ फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी बेसिकली देयर आर टू ग्रुप्स वन इज ब्रीडिंग एंड वन इज प्रोडक्शन मीन्स ग्रुप
प्रोजेक्ट वाइज. ओके सो वी आर वर्किंग ऑन. सो गाइस आपने देखा कि यहाँ मैम हमें बता रही थी कि उन लोगों के यहाँ कितने तरह के फ्रूट्स होते हैं, उनमें वो लोग पल्प कैसे एंड्रेस करते हैं, कलर कैसे एंड्रेस करते हैं, वो सारे यहाँ पे बताया गया था. हम बहुत सारे नॉलेज हमें यहाँ से लेना पड़ा. फिर आ गया हमारा वो मौका कि हमें IRI छोड़ के पंजाब जाना पड़ा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था पंजाब. हम लोगों ने 3 स्टेट चूज़ करा था. जैसे हम लोगों ने पंजाब पहुंचा, रात में हमें ट्रैवल करना था सोनीपत से, फिर हमें पंजाब के लिए जाना था PIU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. रात में ट्रैवल मज़ा आया. उसके हम लोग शायद करीबन 1 बजे वहाँ पहुँचे. हॉस्टल एंट्री वगैरह था, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थे वो सब हमें कंप्लीट करना पड़ा. यहाँ हम लोगों को रूम पर्सनल मिले थे. एक रूम में 3 गर्ल्स एकोमोडेट हो करना था. हम बॉयज़ लोग भी यही आराम से थे. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो यहाँ नहीं हो पाया था. डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ एडुकेशनल टूर के लिए चले गए. सर यहाँ आप देख रहे हो, सर हमें बता रहे हैं कि आज छुट्टी है, हॉलीडे है यहाँ PIU में. तो हम सब कॉलेज तो विज़िट नहीं कर सकते, बस एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट गए थे. और फिर हम लोगों ने म्यूज़ियम गया. ये अब देख सकते हो यही है म्यूज़ियम, वो भी बंद थे, क्लोज थे. बस हम लोगों ने यहाँ फ़ोटो क्लिक कराए. बाहर से जो चीज़ हो सकती थी वो डॉक्टर अरुण तिवारी एंड डॉक्टर शीला बारला ने हमें पूरी तरह से बताने का कोशिश किया, जितना हो सके वो उन लोगों ने पूरा वेल ट्राइड करे. फिर हम सब जितना हो सकता था वो गेन किया, जो भी हो सकता है, पेन पेंसिल सारा कुछ हम लोगों ने लेके गया था. सारे में सारे बच्चे नोट भी बना रहे थे. ये है बॉयज़ हॉस्टल जिसमें बॉयज़ लोग स्टे कर रहे थे. यहाँ वही मेज़ था, हम लोगों ने खाना खाया. और क्योंकि टाइम का यहाँ हम लोगों के पास बहुत ही टाइट शेड्यूल था, इसके वजह से हम लोगों ने बस से ही यहाँ पे राइस पैडी का विज़िट करा. तो देख सकते हो पूरा प्रॉपर स्पेसिंग के साथ मेंटेन करा हुआ है. फिर हम लोगों ने शाम का खाना खाया. अब देखो निकलना तो हमें खाना खाना पड़ा. फटाफट फटाफट खाने के बाद अब बॉयज़ लोग को अब देखो, वो लोग लाइन पर लगे हुए खाने के लिए. हम लोगों ने खा के फिर से हम लोग देहरादून के रवाना हो गए. ये चीज़ एक हमारे लाइफ में अच्छा था टूर में, कि एक दिन हम लोगों को हॉलीडे था बिकॉज ऑफ गांधी जयंती थी, छुट्टी थी. तो हम लोगों ने रात में ही सारे लोग निकल पड़े हरिद्वार के लिए. हरिद्वार से फिर हमें ऋषिकेश जाना था. तो आप देख सकते हो अभी आगे वीडियो में देखेगा हम लोगों ने कैसे इंजॉय करा है हरिद्वार में. दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामे गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में तो गाइस देहरादून खत्म. टन 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 हम सब ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए. वहाँ हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड करा था कि हमें वहाँ जाके रिवर राफ्टिंग करना ही. अब देखो फॉर्म वगैरह भराया जा रहा है, कुछ भी हो आपके जिम्मेवारी. अब देखो कैसे लोग इंजॉय करते, पूरे बैचमेट इसमें हम लोग चले गए. फिर से चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूं हवाले. दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ, धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये रीना. इसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं. शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 फिर से उड़ चला मिट्टी जैसे सपने, ये कितना भी पलकों से झाड़ा. थोड़ा सांस ले लेते हैं, ठीक है अब ठीक है. देखो आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कितना इन्जॉय किया, थके भी इन्जॉय भी किया, मज़ा भी आया, पैसा वसूली. एक दिन हम लोगों का बहुत अच्छा गुजरा. फिर हम लोगों ने उसी दिन थके हारे बस में बैठ गए, ट्रैवल करे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन यहाँ आए. भाई साहब क्या बोले, एक तो थका हारा
सोने का बस बेड चाहिए था, यह बहुत ही अच्छे से हमें रहने का फैसिलिटी मिला था, खाना भी अच्छा था, ऑल एंड एवरेज बहुत ही बेटर था। फिर से वही नेक्स्ट डे हमें पढ़ाई करना था, बट मज़ा आ गया इसमें, इतना अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर, आप देखो सारे स्टूडेंट गैदर हो चुके हैं, अरुण तिवारी सर बता रहे हैं कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड कर लेना है। तो हम लोगों ने रेड बस एंड वाइट बस दोनों ने ग्रुप डिवाइड कर लिया, पहले वाइट बस वाले गए देन रेड बस वाले हमारा था। अब देखो म्यूजियम हम सब जा रहे हैं, यहाँ हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला, जैसे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसे हम एग्रोनॉमिकल मेजर्स, मैकेनिकल मेजर्स से कैसे हमें उस सब को ठीक करना है, वो सारा कुछ हमें यहाँ नॉलेज दिया गया। आप खुद ही देखो कैसे हमें बताया गया है, बच्चे कैसे नॉलेज गेन कर रहे हैं और उसको अपने लिख भी रहे हैं। देखो गाइस मैं थोड़ा ये क्लिप डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा सकती, नहीं तो वीडियो तो देख ही रहे हो आप कितना लंबा चला जा रहा है, अगर मैं और लंबा डालती तो और भी लंबा हो जाता। अब देखो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम सबका मनोरंजन, हम सबका डेस्टिनेशन। हम लोगों ने सोचा क्योंकि बहुत तारीफ सुना था FRI का, बहुत सुंदर है, उसके अंदर आप देखोगे पूरे मंत्र मुग्ध हो जाओगे ऐसा वैसा, भाई साहब और जो सुना था डिट्टो उससे कहीं ज़्यादा खड़े उतरे FRI। बहुत ही सुंदर यहाँ का बिल्डिंग था, वैसे ही म्यूजियम थे, वैसे ही यहाँ के टीचर्स थे, हर एक चीज़ वैसे ही, इन्वायरमेंट पूछो मत, मज़ा आ गया था यहाँ गया थे। टाइम कम था बस इसी वजह से थोड़ा सा हम लोगों को रिग्रेट हो रहा है, बट जो भी हो थोड़ा टूर लंबा होता तो मज़ा आ जाता। अब देखो बच्चे ने कैसे म्यूजियम गए, हमारे बैचमेट्स हैं, हम लोगों ने म्यूजियम गया, वहाँ देखा FRI का जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, एक एक चीज़ को यहाँ इकट्ठा करा गया था, एक हर एक जगह बहुत ही अच्छे अरेंज्ड वे में था। यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉर सारे का यहाँ पे ये बनाया गया था कि कहाँ पे कौन सा चीज़ मिलता है। अब देखो बच्चे लोग कितने अच्छे से भ्रमण कर रहे, देख रहे, एक एक चीज़ नॉलेज ले रहे, जो चीज़ उन लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा उसे वो रिटर्न भी अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में प्रेजेंटेशन बनाना है भाई साहब, तो इसके लिए तो करना पड़ेगा, बस घूमेंगे नहीं। सो गाइज अब हमारा टूर ख़त्म होने को है, क्योंकि हम लोगों ने दो स्टेट कम्प्लीट कर चुका, ये तीसरा स्टेट है दैट इज़ उत्तराखंड एंड द कॉलेज इज़ GP Pant। अब देखो यहाँ हम सब डेस्टिनेशन, भाई साहब यहाँ मत पूछो क्या क्या हो गया था हमारे साथ, वो तो मैं छोड़े कितना ही चीज़ वीडियो में बताऊँ। अब देखो बस जो जो यहाँ वीडियो में दिखाया जा रहा है, गर्ल्स का ये डेस्टिनेशन था, और यहाँ भाई साहब नाश्ता पूछो ही मत, बटर के साथ अभी तक का सबसे बेटर एंड बेस्ट यहीं पे हमें ब्रेकफास्ट वगैरह मिला था। हम लोग यहाँ लगभग रात में 3 बजे पहुँचे थे, क्योंकि कुछ कुछ हो चुका था हम लोग के साथ, जो भी हुआ था वो छोड़ो मैं यहाँ वीडियोज़ में नहीं बताऊँगी। यहाँ का आप देखो कैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ने का बहुत ही अच्छा माहौल था। हम देख सकते हो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग यहाँ GP Pant टूर के लिए सोचा, और हमें यहाँ कुछ कुछ बताया, यहाँ के जो प्रिंसिपल थे, डीन थे, वो भाई कितने ही इंटरैक्टिव थे, कितने इंटरैक्शन उनका बहुत ही अच्छा था बच्चों के साथ, हमारे साथ उनका इंटरैक्शन बहुत अच्छा था। हम लोगों ने नाहेब किया वहाँ, हम लोगों का स्वागत के लिए रंगोली से उन लोग, सॉरी गाइस मैं कहाँ थी, हाँ हमारे स्वागत के लिए इन लोगों ने रंगोली से पूरे अच्छे से रंगोली बनाया था फॉर वेलकमिंग अस। अब देखो यहाँ पे बच्चे पूरे अच्छे से सुन रहे, क्योंकि इनका इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा था, वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। मैं यहाँ इनका वॉइस नहीं सुना सकती क्योंकि इनका आवाज़ थोड़ा कम है। अब देखो अभी जो दिखाएंगे नेक्स्ट क्लिप उनमें इनका वीडियो दिखेगा, आप देखो खुद। अगर सारे डिटेल्स एक एक करके बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए अपने आप 10-15 मिनट का समय होगा आपके पास, फिर कभी आप डिटेल में देख लोगे 10-15 मिनट्स में इसको आप घूम लो। ये जो वॉल दिख रहा है इधर का, ये पूरा वॉल, इस वॉल को हम टाइमलाइन वॉल कहते हैं। ये टाइमलाइन वॉल में आप देख सकते हो, इनको देख के ये नहीं लगा कि ये डीन है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के वहाँ के डीन है, बट हमारे साथ इतने अच्छे से इंटरेक्शन किया जैसे लगा कि हमारे प्रोफेसर है, कोई हमारे साथ ही आए, हमारे टूर कोऑर्डिनेटर है, इस तरह से पूरा इंटरेक्शन करे। जितना हो सका वो उन्होंने अब एक्सप्लेन करा, टाइमलाइन वगैरह सारा बताया, फिर हमें बोला कि अब जितना हो सके जाओ भ्रमण करो, कोशिश करो। ये नहीं बता सकते, इसी वजह से
इन्होंने अपने साथ 3 स्टूडेंट लाए थे, हम भी हमारे ही बैचमेट थे, उन लोगों ने हमें सारे चीज़ बहुत अच्छे से डिक्टेट करे, अच्छे से बताए कि यहाँ कौन सा वैराइटीज़ रिलीज़ हुआ है, क्या क्या है, सारे जीवी पंत का इम्पोर्टेंस बताए। अब यहाँ जब हम लोग लास्ट में पहुँचे तो हमें पता चला कि भाई स्टूडेंट होता क्या है। वहाँ के स्टूडेंट का भी लेवल हमारे से बहुत ही हाई था, वे ऑफ टॉकिंग, नॉलेज वाइज, इट्स एंड एवरी थिंग एज कम्पेयर टू अस बहुत ही अच्छा था। फिर हमें 3D हॉल लिया गया। इन लोगों का कहना था कि आप लोग इतने बड़े कैंपस है कि आप वहाँ पूरा एक एक जगह जा नहीं सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि हमें वर्चुअल टूर करा सके। अब देखा हम लोगों ने सारा जीबी पंत कैंपस जितना हो सके एक दिन में जितना कैप्चर कर सकते थे, जितनी जगह जा सकते थे, हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि वो चीज़ वहाँ पे जाए। बट टाइम कमी के वजह से हम हर एक चीज़ तो नहीं देख पाए, बट जितना भी देखा बहुत ही अच्छा था। अभी तक का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, ऐसे थोड़ी ना इसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिलते रहता है भाई, आखिर है ही, बहुत ही बड़ा था। अब बट हाँ, आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जीबी पंत सिर्फ जो पंत नगर है वो इसी कॉलेज के लिए ही फेमस है, और नहीं तो एक प्रॉपर गांव है, बट गांव के अंदर इतना खूबसूरत कैंपस अरेंज करा गया है भाई, बोलो मत। अब क्या करते हैं, हमारे पास टाइम कम था, नेक्स्ट डे हमें दिल्ली के लिए रवाना होना था, तो हम लोगों ने सोचा कि टूर ही कैंपस ही विजिट कर लूँ। हमारे बहुत सारे बैचमेट गए कहीं कहीं, बट हम लोगों का थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो चुका था, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि टूर ही विज़िट करें, कैंपस ही विज़िट करती हूँ। हम पूरे ग्रुप ने कैंपस विज़िट करा, देखा कहाँ पे क्या है, कैसे है, हेडक्वार्टर देखा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी देखा, लाल बाग, फूल बाग, बड़ी बाज़ार, घंटा घर, हर एक जगह गया, मज़ा आया कैंपस विज़िट करने में। देखो ये है इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो हम तो आपको उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए पूरे ये, पर तो भी जितना हो सके हम लोगों ने पूरा कोशिश करा कि कैप्चर करें और आप लोगों को दिखाए कि हमारा एजुकेशनल टूर कैसा रहा। तो गाइस यहाँ पे हमारा टूर ख़त्म होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकलना है दिल्ली के लिए। अब चलो हम सबका व्यूज़ जानते कि हमारा टूर कैसा रहा, आप खुद ही देख लो कैसा सबका रिव्यूज है। भैया आप बताइए आपको कितना मजा आया मैम, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? कैसे बहुत अच्छा लगा, जैसे बहुत कॉम्पिटेटिव था, बच्चे हैं तो थोड़ा तो बदमाशी करेंगे, पूरा बहुत थोड़ा अच्छा था। दीदी आपको मजा आया हम लोग के साथ सोने में? आप देख सकते हैं थके 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 फेस, पर ऐसा दिख नहीं रहा है कि लोग थके हुए, सब एकदम फ्रेश फ्रेश होके बैठे हुए। आप देख सकते हैं कपल गोल्स भी चल रहे हैं, सिंगल्स भी है। मुझे वापस नहीं जाना, वापस किसी को नहीं जाना है। देखो तो आपको क्या बता सकते हैं, आगे बैठ के कैसा लगा? अब आते आप लोग के पास, हमारे नेक्स्ट खलासी के पास, आप बताइए ऋषिकेश जी कैसा लगा? ये पूरे का पूरे बस में हमें टूर गाइड किए हुए आप बताइए कैसा लगा, मजा आया? आप लोग देखने साथ हो गए हुए तो आप लोग से क्या ही पूछना। हाँ नायक, आप लोग दोनों साथ में फर्स्ट टाइम ट्रिप किया, कैसा लगा आप लोग को? लॉन्ग ट्रिप, ये लोग कड़ुखा सूखा हुआ साथ, इतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं बता पाए। आप देखिए जो 3-4 बार टूर कर चुके हैं लॉन्ग ट्रिप, बताइए। आखिरी दिन आज बहुत मजा आया, पंत नगर हम लोग आए बहुत जगह, हम चाहते हैं मेरे पूरा बैचमेट मजा ले, फिर से हम लोग कभी लॉन्ग ट्रिप करेंगे एकदम, इस बार खुशबू के साथ निंद्रा कर निंद्रा कर। आप बताइए चारुल, खाने को कैसा लगा आपको? रात 2 बजे कैसा मिला खाना आपको? दाल चावल, टेस्ट कैसा था? और अरुण सर का अटेंडेंस भी था साथ में। ये देखिए न्यू फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट हुआ फ्रेंड जोन, बताइए।
हाय बोल रही है, छोटी दीप सिखा है ये और एक बड़ी दीप सिखा उधर है। दोनों घाटी जाना है, ये यादगार बस है जिसको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। थोड़ा भैया के साथ हाँ लिए भैया, बहुत अच्छा। बताइए आप लोग ये देख रहे हैं चार लड़कियाँ, ये लोग अपने में ही घूम रहती है, हम लोग से मिलती ही नहीं है। अब देखिए रानी, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे टूर का? अब ये देखिए छोटी बच्ची को जो कि अकेले बैठी हुई है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्रभा जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका तो तबियत खराब नहीं ना हुआ? नहीं, इलाज के बाद नहीं नहीं हाँ किस। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो जी, कैसा रहा ट्रिप, मजा मा? और ये है जो कि दूसरे बस से हमारे बस में आ गए क्योंकि हमारा बस का माहौल बहुत ही अच्छा था। बताइए सुष्मिता जी, ये हमारी टूर कोऑर्डिनेटर थी, सिर्फ पैसा लेके घूमते रही है पूरा टूर और हम लोग से सिर्फ पैसा निकलवाते रही है, पूरा जेब खाली करा दी हम लोगों का। अब ये डीजे हमारे आगे डीजे, बताइए डीजे कैसा रहा आपका टूर का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया, बहुत लंबा होना चाहिए। हाँ ये बात तो सही बोल रहा है, एनर्जी अभी भी हम लोगों में बाकी है, कैपेसिटी एक सप्ताह का अभी भी है ना डीजे। तो आप लोगों ने सुना ना सबका रिव्यूज, किन्हीं को चाहिए था टूर और लंबा हो तो मुझे भी चाहिए था, कि बहुत मजा आया। टीचर प्रोफेसर बच्चे एक एक कोई को, इवन हमारे ड्राइवर को हमारे साथ मजा आया। सॉरी गाइस व्हाइट बस के लिए क्योंकि मैं आप लोगों का रिव्यूज़ नहीं ले सकी बिकॉज मैं रेड बस में थी, तो मैं रेड बस का ही बस रिव्यूज़ ली। अब देखो दिल है कि मानता नहीं, दिल मांगे मोर, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सरोजनी मार्केट चलते हैं, वहाँ इंजॉय करते। एक एक बंदा सरोजनी मार्केट गया, आप खुद ही देख लो सरोजनी मार्केट का नशा कैसे हम लोगों ने वहाँ रेस्ट करा और क्या क्या किया। Hi guys. देख सकते हैं हम सब फाइनली अब यहाँ दिल्ली में आ चुके थे, तो सरोजनी मार्केट सोचे हम लोग जाते हैं थोड़ा देखते हैं, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बुक्स की मार्केटिंग हो रही है, ये सुष्मिता और श्वेता ने कुछ बुक्स लेने का सोचा। अब देखो सरोजनी मार्केट हम लोग जाने वाले हैं, बस यही तक हम लोग आपको दिखा सकते हैं क्योंकि अंदर में भी चोरी वोरी हो जाए। माँ यहाँ पे अपने अपने बैग को पकड़ते हुए, बैग को पकड़ते हुए दिखाओ, सब अपना बैग पकड़ते हुए देख सकते हैं, इतने अच्छे से अपने बैग संभाले हैं कि जैसे इन्हीं लोग के बैग में कोहिनूर हीरा है, ये लोग आके चोरी कर लेंगे। फाइनली गाइस हमारी शॉपिंग खत्म हुई, अब हम सब फटाफट जाते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन ताकि हम सब अपना लगेज ले सकते हैं लॉक रूम से। टैन टैन हम सब रांची पहुंच चुके हैं, हमारी एडुकेशनल टूर बहुत ही अच्छे से खत्म हुई, हमें भी मजा आया, आपको भी मजा आया होगा वीडियो देख के गाइस। अगर मजा आया तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।